पाकिस्तान में परिंदों की नायाब इकसाम और ऐसी नस्लें जो नापैद होने के ख़तरे से दोचार हैं, इनका शिकार नहायत सख्ती से मना किया गया है। इन परिंदों को नॉन गेम बर्ड्स कहते हैं। ऐसे परिंदों को गोश्त या खुराक हासिल करने के लिए शिकार करना या किसी भी किस्म की खेल के लिए इनको जाल के ज़रिए पकड़ना या कारोबार के लिए इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। इन परिंदों में सबसे पहले हूबरा आता है, जिसे मुकामी जबान में तलोर कहते हैं। ये एक मेहमान परिंदा है। इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एजेंसी के मुताबिक ये नापैद होने के ख़तरे से दोचार है। इनकी कुदरती अमवात की शरह 3.3% है, जबकि 73% ये शिकार में मारे जाते हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2015 से अब तक इनकी तादाद में 50% कमी हो चुकी है और 2027 तक ये नापैद हो जाएंगे। नंबर दो पर क्रेन फैमिली, जिसको मुकामी जबान में कूंज कहा जाता है। इनकी 15 इकसाम हैं और ये सब नापैद होने के ख़तरे से दोचार हैं। वाइल्ड लाइफ माहिरीन के अंदाज़े के मुताबिक अगर इनका गैर कानूनी शिकार ना रोका गया तो 2035 तक दुनिया इनको देखने से महरूम हो जाएगी। नंबर तीन पर हैरान, परिंदों की ये खूबसूरत और नहायत दिलकश नस्ल भी नापैद होने के ख़तरे से गुजर रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गैर कानूनी शिकार और माहौलियाती आलूदगी बताई जाती है। नंबर चार पर पेलिकन फैमिली आती है। पेलिकन फैमिली की बहुत सी इकसाम को नापैद होने का ख़तरा लाहक है, जिनमें सैर फ़हरिस्त ब्राउन पेलिकन है। 2009 में इसको यूनाइटेड स्टेट की नापैद स्पीशीज़ की लिस्ट से निकाल दिया गया था, मगर अब नई तहकीक के मुताबिक पेलिकन फैमिली दोबारा ख़तरे से दोचार है। इस वजह से पाकिस्तान में इसका शिकार सख्ती से मना किया गया है। नंबर पाँच पर स्टॉक फैमिली आती है। स्टॉक फैमिली का शिकार भी पाकिस्तान में सख्ती से मना किया गया है। स्टॉक फैमिली में सबसे ज़्यादा ख़तरा ब्लैक स्टॉक्स को है। इनकी नस्ल बचाने के लिए तेज़ी से काम किया जा रहा है। माहिरीन के ख्याल के मुताबिक आने वाले 15 सालों में इनकी तादाद में मज़ीद 200 ब्रीडिंग पेयर्स का इजाफा हो जाएगा। नंबर छः पर स्पूनबिल फैमिली आती है। परिंदों की ये खूबसूरत नस्ल भी ख़तरे से गुजर रही है। इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरा रोजेट स्पूनबिल को लाहिक है, जिनका शिकार इनके खूबसूरत परों को हासिल करने के लिए किया जाता है। इसलिए वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान ने स्पूनबिल के शिकार को भी कानूनन जुर्म करार दिया है। नंबर सात पर आइबिस फैमिली आती है। गैर कानूनी शिकार, पानी की आलूदगी और आइबिस की रिहाइश गाहों में तबाहकुन कमी की वजह से ये परिंदे भी अपनी नस्ल बचाने की कशमकश में हैं। इनकी बाज़ इकसाम के पूरी दुनिया में सिर्फ 100 ब्रीडिंग पेयर्स हैं, इसलिए पाकिस्तानी कवानीन के तहत इनका शिकार जुर्म है। नंबर आठ पर फ्लामिंगो फैमिली आती है, जिसे मुकामी जबान में राज हंस कहा जाता है। इस फैमिली की बाज़ इकसाम 1924 से लेकर 1957 तक नापैद तसव्वुर की जाती थी। फिर माहरीन की मेहनत रंग लाई और ये दुनिया को दोबारा नजर आने लगे। शुमाली अमरीका में सी नामी जोलॉजिकल पार्क में बड़ी कामयाबी के साथ इनकी नस्ल बढ़ाई जा रही है, इसलिए इनका शिकार पाकिस्तान में मना है। नंबर नौ पर डक फैमिली आती है। डक फैमिली की बहुत सी खूबसूरत इकसाम नापैद होने के ख़तरे से दोचार हैं। पिछले 10 सालों के मुकाबले में इनकी तादाद में बहुत बड़ी कमी वाक़ हुई है, इसलिए वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान ने इनके शिकार को जुर्म करार दिया है। इनमें मार्बल टेल, कॉटन टेल, स्पॉटबिल डक, कॉमन शेल डक और रूडी शेल डक शामिल हैं। नंबर 10 पर वुडकॉक फैमिली का नंबर आता है। इस फैमिली को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंसर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड लिस्ट में शामिल किया है। इस फैमिली की बाज़ इकसाम की तादाद खतरनाक हद तक कम रह गई है। इस ख़तरे का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2013 में पहली बार किसी जिंदा मोलेकन वुडकॉक की तस्वीर शाया की गई थी। इसीलिए वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान ने इस परिंदे की नस्ल बचाने के लिए इसके शिकार से मना किया है।